एक लाइन में बता दो कब से कम, कब से काम शुरू किया? 15 से नहीं सर, 4-5 वर्ष से निवाल में। 5 साल से जेल कब गए थे वहाँ से? वहाँ जो मुकदमा लिखा गया था जो मेरा वो सर 2015 में। ठीक है, जाओ ठीक है। सर सर आज किस चीज़ को लेके खुलासा? देखिए थाना फरुखाबाद क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है और इंस्पेक्टर फरुखाबाद और सीओ नगर इन लोगों ने मिल के एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो कि बहुत ही साथी रहे फ्रॉड का काम करता है उसको पकड़ने में, गिरफ्तार करने में और काफ़ी संख्या में देखिए माल बरामद हुआ है, इसमें सफलता प्राप्त हुई है। यह अभियुक्त जो है अंतर्राज्यीय अभियुक्त हैं जो यहाँ रहने वाले हरदोई के और यहाँ के फरुखाबाद जनपद के रहने वाले हैं। इन्होंने वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पे पहले लोगों से रजिस्ट्रेशन कराते थे, उसमें 600-700 जैसा भी कैंडिडेट हो उसे पैसा लेते थे, उसके बाद फिर इंश्योरेंस के नाम पे और 1% सिक्योरिटी के नाम पे लेते थे, लगभग 15-20 हज़ार रुपये कैंडिडेट से लेते थे और फिर मोबाइल बंद करके गायब हो जाते थे। इस संबंध में एक मुकदमा 2015 में भी लिखा गया है जनपद हरदोई में, जहाँ से चारों भी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद ये हमारे यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो अभियुक्तों से बरामद हुई है आपके सामने सारा सामान है, जो मुख्य सामान उसमें 2 लैपटॉप है, 57 सिम कार्ड है मोबाइल के, 12 एटीएम कार्ड है, मोटरसाइकिल है और भी तमाम चीज़ें हैं, प्रिंटर्स, नेटवर्क है। सर ये काम कब से चल रहा था? देखिए मैंने कहा कि आपके सामने अभियुक्त ने कहा कि पिछले 5 साल से, ये लगभग 7 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि पहला मुकदमा 2015 में लिखा गया है और ये बहुत साथी किस्म के अपराधी हैं। वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम से भोले भाले लोगों को अपने कब्जे में लेते थे, उनको बहला के फुसला के और उनसे पैसा निकलवाते थे एमपी के लोगों और फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो जाते थे। इसमें जो मैक्सिमम जो पीड़ित पक्ष है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोग हैं। अच्छा सर, आरोपी तौर पे आंकड़ा कुछ होगा, कितने लोगों को ये शिकार बना चुके होंगे? अभी देखिए इनके अकाउंट में अभी हम लोग भी निकलवा रहे हैं चूँकि योजना जारी है, लगभग 5 लाख के आसपास इनके अकाउंट में है जिसको कि फ्रीज करा दिया गया है और 4 अभियुक्त है, एक अभियुक्त इसमें फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पर हेड पे कितना ले रहे थे सर जी? जैसे हमने बताया कि 600-700 रजिस्ट्रेशन के नाम पे लेते थे, उसके बाद फिर 1% सिक्योरिटी के नाम पे लेते थे जो लगभग 12-14 हज़ार पड़ता था, और उसके बाद फिर इंश्योरेंस के नाम पे कुल 20-25 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार जो जिसे भी कैंडिडेट उसके पास है उस तरह के लोग लेते थे, और उनको जैसे कि हमने दिखाया ये कि ये सर्टिफिकेट देते थे कि आपकी नौकरी लग गई है, बाद में आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, तो इस तरह की फ्रॉड था इसमें। सर किसी को ट्रेनिंग पे भी कभी भेजा था? ट्रेनिंग चूँकि फ्रॉड थे इसलिए इनको भेजा नहीं था, ये तो बस पैसा लेने के लिए पहले अखबारों में ऐड निकलवाते थे, फिर ऐड से जब कैंडिडेट कम संपर्क करते थे उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पर फॉर्म भेजते थे, 600-700 रुपये लेते थे उनसे, फिर उसके बाद फिर इंश्योरेंस के नाम पर और सिक्योरिटी के नाम पर पैसा वसूल। सर और भी लोग शामिल हैं इसमें? अभी देखिए शुरुआत है, इसमें काफ़ी लोग और भी शामिल होंगे, 4 अभी गिरफ्तार हुए, 1 भी फरार है इसमें से और बाकी के भी प्रयास जारी है।